देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री यादव समाज द्वारा 34वां सामूहिक विवाह समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर परिसर परदेसीपुरा में संपन्न हुआ। समाज के अध्यक्ष श्री संतोष यादव ने बताया कि रविवार 21 अप्रैल को 7 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन के अंतर्गत प्रातः 8 बजे गणेश पूजन के साथ आयोजन का विधिवत शुभारम्भ हुआ। इसके पश्चात समस्त वर वधुओं की सामूहिक बारात प्रातः 10 बजे सुगनी देवी मैदान परदेसीपुरा इंदौर से निकली। बारात का मार्ग में अनेक स्थानों पर समाजजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान युवक युवतियों के परिजनों के साथ ही समाज के पदाधिकारी भी बारात में नाचते गाते हुए चल रहे थे। सभी दूल्हे घोड़ी पर सवार थे और दुल्हनों को बग्गियों में बैठाया गया था। बारात विवाह स्थल श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर परदेसीपुरा पर पहुंची। यहां पर पाड़ी ग्रहण संस्कार आशीर्वाद समारोह एवं विदाई समारोह तथा स्नेह भोज का आयोजन भी संपन्न हुआ। समाज के अध्यक्ष संतोष यादव एवं सचिव ललित यादव ने बताया कि आयोजन स्थल पर युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवक युवतियों ने बेबाकी से मंच से अपना परिचय देते हुए मनपसंद जीवन साथी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कई युवक युवतियों ने ऑनलाइन परिचय भी दिए। आयोजन की खास बात यह रही कि इस दौरान सभी वर वधुओं एवं उनके परिजनों के साथ ही उपस्थित समाजजनों को लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए भी संकल्प दिलाया गया। सामूहिक विवाह समारोह एवं परिचय सम्मेलन के समापन पर समाज के संयुक्त सचिव रोहित यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से यादव समाज के अध्यक्ष संतोष यादव, उपाध्यक्ष उद्वय विशाल यादव एवं नारायण सिंह यादव, सचिव ललित यादव, संयुक्त सचिव रोहित यादव, कोषाध्यक्ष मुकेश शक्ति यादव एवं जीतू यादव उपस्थित थे। समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कौन से वर्ष में आयोजन है और लगभग कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है? यह 7 जोड़ों का विवाह हो रहा है जी। और 34वां सामूहिक विवाह हमारा हो रहा है और सभी समाज बंधुओं के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है और सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा आयोजन हर साल हो और हम जितना जितना अच्छा होंगे उतना अच्छा सा करेंगे। आज हम देख रहे हैं बारात निकल रही है, समाज के सारे पदाधिकारी नाचते गाते हुए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से बारात निकली है? बारात अपने सुगनी देवी से लेके अपनी परदेसीपुरा होते हुए अपने राधाकृष्ण मंदिर पर जाएंगे हम लोग। दहेज का सामान भी, जो घर गृहस्थी का सामान भी होता है, क्या कितना सामान सामान को एक जो गृहस्थी का होता है वो दे रहे हैं, अलमारी है, पलंग है, डिनर जो भी है सभी दे रहे हैं हम लोग। एक गृहस्थी का दिख रहा है समाज जनों में, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी परीक्षा? ये हमारी 2 महीने से तैयारी चल रही थी और इस आयोजन के लेके सभी लोगों ने, समाज बंधुओं ने, सबने सहयोग करा और हम उन सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने सहयोग करा। भगवान कृष्ण भगवान उनको धन धान भरे रहे कर रखे और समाज बंधु हमेशा सभी के साथ मिलजुल काम करें। आयोजन को लेकर बड़ा उत्साह है, आप लोग देख ही रहे हैं पीछे, और 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर अभी किया जा रहा है। भव्य बारात के रूप में आप जो पीछे देख रहे हैं ये सब पूरा समाज का सहयोग है और जितने भी समाज जनों ने सहयोग किया है उस तरह का सभी लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। समय में एक लोकतंत्र का महायज्ञ भी होने जा रहा है, तो क्या सभी वर वधु को मतदान के लिए और सभी उपस्थित लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई जाएगी? सभी को शपथ और दिलाई जा रही है और आज सभी से आग्रह किया जाएगा कि सभी लोग मतदान करें और मोदी जी के नेतृत्व में मतदान करें। बहुत बड़ा आयोजन यादव समाज के तत्वावधान में होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही उत्साह का माहौल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी दूर दूर से इंदौर के बाहर भी जितने जोड़े आए हैं, रतलाम की ओर से आए हैं, इसके अलावा जो समाज बंधु है अनेक जगहों से, लगभग मध्य प्रदेश के आसपास से, राजस्थान से और भी अनेक जगहों से उपस्थित है। बहुत ही उत्साह का माहौल है, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने और हमारे सचिव जी ने बताया कि यहाँ पर 7 जोड़ों का जो विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, यह बड़े ही गौरव की बात है कि लोगों में उत्साह भी बन रहा है और समाज के प्रति रुझान भी। आज इतना अच्छा माहौल है हमारे समाज का, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सुंदर और अच्छा आयोजन हो रहा है। ये 34वां सामूहिक विवाह है और हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और समाज का हर वर्ष एकदम इससे भी जोरदार और भी जोरदार करने की पूरी इच्छा रखते हैं और हमारे जितने भी समाज बंधु हैं उन मतदाताओं से हम निवेदन करते हैं और सूचना दे रहे हैं इस माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और कोई भी पार्टी को करें लेकिन मतदान जरूर करें। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।
नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।